Hey you everyone welcome back to my channel it's Orpita i hope you all are doing well in today's video we will be creating this makeup look बट आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बिकॉज मैं हमेशा आपको मेकअप ट्यूटोरियल डायरेक्टली देती हूँ बट आज हम पहले स्किन प्रेप करेंगे एंड उसके बाद मेकअप ट्यूटोरियल पर जाएँगे येस yes, अगर आपका स्किन केयर रूटीन स्किन केयर सेशन बहुत ही अच्छा है तो आपका बेस जो है आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा फ्लॉलेस लगेगा लगे परफेक्ट रहेगा एंड यस uh, yes, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो आई होप कि आज का वीडियो जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा अगर हेल्पफुल रहे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहां पे पहले मैं अप्लाई कर रही हूं लाकमे नाइन टू फाइव का मैट मॉइस्ड क्ले फेस वॉश इट इज़ रियली गुड फॉर ऑयली स्किन टोन यू आइज नो मे बी कम्बिनेशन स्किन टाइप से बिलोंग करती हूँ समर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्पेशली टीजोन पे ये फोमिंग फेस वॉश है तो जब भी आप इसको फेस में लगाते हो बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्विशी क्लीन करता है आपकी स्किन को जितने भी डर्ट एंड गंक है उनको अच्छी तरीके से रिमूव करता है सो दैट्स वट आई डू ऑलवेज बिफोर एनी मेकअप लुक मेकअप ट्यूटोरियल सो इसके बाद हम जाएँगे नेक्स्ट डे पे वो ज मास्किंग यू गाइज नो मास्किंग के बाद जो फेस है उसका ग्लो एकदम चेंज ही हो जाता है अलग ही लगता है स्किन सो so, यहाँ पे मैं लैकमी नाइन टू फाइव का मैट मॉइस्ड प्योर क्लेम मास्क यूज कर रही हूँ so, सो मास्क को अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको नेक में लगाना है फेस में लगाना है एंड ट्रस्ट मी गाइज इफ यू हैव पोर प्रॉब्लम तो ये अच्छी तरीके से पोर क्लिन करता है एंड अगर आपका ब्लैक हेड एंड वाइट हेड का भी प्रॉब्लम रहता है ना सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लोगों को ट्राई करना है दे आर वेरी अफोर्डेबल एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयली स्किन टोन में एंड स्पेशली समर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे सो so, हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्किन केयर रूटीन पे हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र विदाउट मॉइस्चराइजर कोई भी मेकअप लुक कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है तो बिफोर अप्लाइंग एनी बेस प्रोडक्ट में अच्छी खासी क्वांटिटी का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ आई आल बी यूजिंग दिस न्यूट्री डॉर्म का मॉइस्चराइजर दिस इज बेस्ड फॉर ऑयल स्किन टाइप अगेन क्योंकि समर चल रहा है तो मैं हर कोई प्रोडक्ट समर बेस्ड यूज कर रही हूँ सो दैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा प्राइमर जो है आपके बेस को आपके मेकअप को तगड़ा बनाए रखता है आपके मेकअप को आपके पोर के अंदर नहीं जाने देता है एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को स्पेशली आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है मैं अच्छी खासी क्वांटिटी का अप्लाई करती हूँ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ प्राइमर लगाने में एंड आज ना पहले अपने आईब्राउस को मैं फिल कर रही हूँ आप कोई भी जेल आई लाइनर ले सकते हो कोई भी ब्राउ पोमेंट ले सकते हो आप जैसे भी नेचुरल वे में अपना ब्राउ भरते हो ना वैसे फिल कर सकते हो सो दिस इज़ माई वे टू फिल माई आईब्राउ क्योंकि आज थोड़ा सा हम डार्क आइज़ पे जाएंगे इसलिए आज मैंने अपने आईब्राउज को थोड़ा सा डार्क रखा है एंड ज़्यादा फुल फीलिंग रखा है नहीं तो मैं हमेशा लाइट ही फॉलो करती हूँ सो so, अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेने के बाद यहाँ पे मैं स्टेकर्की का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ वेरी थिक व्च इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड मुझे अच्छा अच्छा लगा कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड यू नो अपना काम जो है बेस्ट वे में करता है तो मैं कोई कंसीलर अप्लाई नहीं करने वाली हूँ इसी फाउंडेशन को लेके अपने डार्क सर्कल में पहले अप्लाई कर रही हूँ एंड पिगमेंटेशन एरिया में भी अप्लाई कर रही हूँ देन इसी को लेके सेम फाउंडेशन स्टिक को अपने ब्राउ बोन को भी डिफाइन करूंगी देन इसी को भी मैं फाउंडेशन की तरह यूज़ करूँगी सो so, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रीमी ब्लश अप्लाई कर रही हूँ आफ्टर दिस फाउंडेशन बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आँ... चिक्स है वो नेचुरली पिंकी पिंकी ग्लोई लगे ऊपर uh, तो हम ब्लश लगाएंगे ही लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रीमी ब्लश लगा देते हो ना बिफोर योर पाउडर बिफोर योर शेटिंग यू नो लूज पाउडर तो आपका फेस और भी नेचुरली ब्यूटिफुल लगता है प्रिटी लगता है सो so यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ एंड यू कैन सी दिस शेड इज सो सो प्रिटी ये ईबा का ईबा कॉस्मेटिक्स का ब्लश है तो आज आई टोल्ड यू मैं अपने brow bone को डिफाइन करने वाली हूँ अगर आप लोगों ने थ्रेडिंग नहीं किया है अगर आपका ब्राउ इतना प्रोमिनेंट नहीं है डिफाइंड नहीं है तो दिस तो इज द परफेक्ट वे कि आप पहले ब्राउ लगा लो ब्राउ पेंसिल लगा लो देन आप उसको डिफाइन कर लो दैट्स दैट इट इज़ वेरी इजी सो यहाँ पे ना आप टो तो फाउंडेशन एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो कुछ भी फेस में प्रॉब्लमेटिक एरिया दिखाई नहीं दे रहा है सो so देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे नेक्स्ट आई एल बी अपलाइंग दिस पाउडर बाय मे बलीन ये कंपैक्ट पाउडर है एंड ये पाउडर मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ये एकदम मैट फिनिश देता है आप देख सकते हो आपके आंखों के सामने ही एक साइड आप देख सकते हो कितना डर लग रहा है एंड एक साइड कितना ब्राइट एंड कितना मैट फिनिश दे रहा है सो so, मैं इसको अपने टी जोन एरिया पे अच्छी तरीके से अप्लाई करूंगी यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर, सो दैट वो एरिया जो है एकदम लॉन्ग लास्ट बनाए रखे एंड फाइन लाइन्स ना आए देन आई बी यूजिंग दिस ब्रश तो ब्रश लेके ना मैं बाकी जो एरिया बच गया वहाँ पे अच्छी तरीके से डस्ट ऑफ कर लूँगी दैट्स दैट सो नेक्स्ट आप देख सकते हो मैंने अपनी जो कुछ कुछ आई ब्रशेस है उनको यहाँ पे ले लिया है आज मैं थोड़ा सा ये न्यू पैलेट है मेरे पास एक दिस इज बाय सो ये माइंगलाम का पैलेट है तो इसमें काफ़ी ब्यूटिफुल न्यूड एंड थोड़े से यू you नो know, क्या बोलूँ डार्किश शेड है तो इनको लेके आज हम एक लुक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सो तो यहाँ पे पहले मैं एक ऑरेंजिश पीची शेड लेके अपने ट्रांजेक्शन एरिया पे मैंने अप्लाई किया है सो तो देन मैंने एक ब्लूइश काइंड ऑफ ब्लूइश एंड थोड़ा सा ब्लैकिश काइंड ऑफ शेड है तो इसको लेके मैं ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्रीज एरिया में एंटायर क्रीज एरिया में एंड देन लो लो लास्ट लाइन एरिया पे सो देन मैं एक बहुत ही न्यू शेड लेके उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कोई भी लाइन जो है वो दिखाई ना दे ऐसा ना लगे कि यू नो हार्शली अप्लाई किया है सो दैट्स वाट वी आर डूइंग हीयर सो देन मैं सेम पैलेट से ही थोड़ा सा हाईलाइटर लेके अपनी इनर कलर को हाईलाइट कर रही हूँ एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पैलेट जिसमें बहुत सारे यू नो शेड्स आपको मिल जाएंगे सो देन आई बी यूजिंग दिस मस्कारा बाई फेसिस कैनेडा इफ यू वॉन्ट देन आप जो है आप फॉल्स आई भी लगा सकते हो लेकिन मुझे ना अपने लाशेज एंड इस तरीके से ही अच्छा लगता है विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल यू नो हम डेली बेसिस पे डे टू डे यू नो बेसिस पे नहीं लगा पाते हैं आई तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करूँ सो uh, so यहाँ पर मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ ओडबो का ओडबो कॉस्मेटिक्स का एंड देन मैं यहाँ पे पोच का अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, ये वाला जो हाइलाइटर है अगेन मेरे पास ये न्यू आया है मैंने आप लोगों को अभी तक हॉल नहीं दिया है बिकॉज मैंने सोचा कि मैं डिरेक्टली आप लोगों को वीडियो में लगा के ही दिखा दूँगी कि ये कैसा काम करता है सो so, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने जो नोज़ है उसको यू नो कंट्रोल कर रही हूँ साइज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी जो नोज़ है थोड़ा सा छोटी सी एंड फैटी सी है सो so, मैं उसको हमेशा ट्राई करती हूँ कि डिफाइंड दिखाऊँ एंड यहाँ पर मैं वही हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड जस्ट लुक एट दैट आई एम स्पेचलेस इट इज़ बॉम डॉट कॉम यू गाइज ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड उसके साथ साथ ये काफ़ी पिगमेंटेड भी है एक ही स्वाइप में यू you नो know, बहुत ही अच्छा ग्लो दे देता है मैं अच्छी तरीके से अपने एंटायर फेस में इसको अप्लाई कर रही हूँ सो देन हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे टू वी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना हाईलाइटर काफ़ी पसंद है लेकिन समर्स में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ सो देन

that leaves the matte finish is there and here we go this is our final look ट्रस्ट मी आप इस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करना एंड आपका जो बेस है इतना परफेक्ट लगेगा इतना फ्लॉलेस लगेगा इतना लॉन्ग लास्टिंग लगेगा ना आप मुझे बाद में आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं तो विथ दैट आई विल गिव यू ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोडक्ट लिंक्स से लेके मेरी सोशल मीडिया लिंक्स तक अगर आप चाहते हो तो जाके इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कंटेंट टिल देन Bye!